Hello and welcome guys to a new video from Anurag Talks and watching Anurag Talks. See, basically many of you have demanded me to make a video on English literature. And in English literature, Merchant of Venice. I have many requests from my subscribers that please upload video on Merchant of Venice. Now so that's why I'm here to make a video on Merchant of Venice, full summary of Merchant of Venice. And after a few time I will upload video on each and every act and explain those act also. See, basically I'm starting Merchant of Venice summary today. This is the book Merchant of Venice which I am referring. Okay, in some of the school Merchant of Venice dusra book bhi chalta. Okay, basically dekho, I will start from first act. Kisi bhi cheeze padhne se pehle uski summary ek bar jaan lijiye chahiye, tabhi aap logo ko cheez samajh aayegi. Okay, ठीक है. अब तुम लोग बताना कि ये वॉइस मेरी ऑडिबल है आप लोग को, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा हूँ. ओके, स्टार्ट करता हूँ बिना आपका टाइम जाया करें. बेसिकली जो एक्ट वन सीन वन है हमारा ना, वो वेनिस में हो रहा है. और वहाँ वेनिस में एंटोनियो, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा देते हैं. देखो जो एंटोनियो होता है ना, वो एक ईमानदार आदमी होता है, ईसाई होता है. एंटोनियो क्रिश्चियन होता है और क्रिश्चियनिटी में सूद का लेन देन वर्जित है, अर्थात पैसे में कोई प्रॉफिट नहीं लेते हैं वो लोग. और वहीं पे एक ज्यू रहता था जिसका नाम शाइलॉक था, वो भी मनी लेंडर था और एंटोनियो भी. बस उन दोनों फर्क इतना ही था कि एंटोनियो जो था वो बिना ब्याज के देता था पैसा, और जो शाइलॉक था वो ब्याज लेके पैसा देता था. इसलिए जो सब लोग थे वो एंटोनियो के पास आते थे, और एंटोनियो एक क्रिश्चियन था और शाइलॉक क्या था, शाइलॉक एक ज्यू था. इसलिए वो दोनों आपस में नफरत करते थे. एक रीजन तो ये हो गया क्योंकि वो इंटरेस्ट पे देता था पैसा, और बिना इंटरेस्ट के दूसरा कि वो जीव था या कि क्रिश्चियन था. ठीक है, और तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जो एंटोनियो था वो स्टाइलो की बेइज्जती करता था सबके सामने. बहुत बार उसके अब्यूज किया एंटोनियो को, स्टाइलो को. ठीक है, जब रीजन तो एक्ट वन होता है हमारा वेनिस में, स्ट्रीट इन वेनिस ज़्यादातर सब एक्ट हुए हैं. ठीक है, उसमें क्या शॉर्ट ही मैं बता रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, वो फ्रेंड्स आते हैं उनके, एंटोनियो के, एंटोनियो वो बातचीत करते हैं, फिर दो और फ्रेंड्स आते हैं, फिर एक बेसानियो नाम का आदमी होता है. बेसानियो करेक्टर है, वो बहुत ऐसा करेक्टर है, उसने पूरा एक समय वो भी अमीर था, उसने अपना पैसा सब लगा दिया पैसा. अब वो अमीर नहीं बचा, उसका बिल्कुल पैसा नहीं है, वो क्या करे. ठीक है, तो वो जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती वो एंटोनियो के पास आता, एंटोनियो उसको पैसा दे देता था. ठीक है, पर अब एंटोनियो के पास पैसा नहीं था, और बेसानियो आया उसका पैसा माने, वो बोला कि वहाँ बेलमोंट में जगह का नाम है बेलमोंट में पोशिया थी, उस राजा थे वहाँ के, उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटिया के नाम कर दी. और वहाँ पर टास्केट का सिस्टर था, वो आपको आगे बताऊँगा. तो उसने बोला कि मुझे पैसा चाहिए ऐसे लड़के, उसने बोला अभी तुम्हें बस पैसा नहीं है, मेरा सब पैसा इन्वेस्टेड है शिप्स में. तो आप वो बोले तो मैं अगला सीन से बताऊँगा, तो धीरे बोलूँगा. ठीक है, तो ठीक है, तो और मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, तो आप जाओ मार्केट में मेरे नाम पर ले लो, कोई मनी लेंडर ढूंढो और ले लो पैसा. वो लोग दोनों शाइलॉक के पास गए, शाइलॉक उन्हें देख के बहुत खुश हो गया, ये मेरे पास कैसे आ गए. और फिर उसने बोला कि ये तो बहुत बड़ी रकम है. शाइलॉक ने बोला बेसानियो से, हमें तो वो चाहिए, हम कोई गारंटी बनाओ. तो एंटोनियो उसकी गारंटी बन गया, उसने बोला हाँ ठीक है, वो खुश हो गया. और उसने एक ताज्जुब पूरी बात कर दी कि मैं आपको पैसा बिना ब्याज के दूंगा, मेरी कंडीशन होगी आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि अगर आप 3 महीने में पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपका 1 pound फ्लैश आपकी बॉडी से एनी पार्ट में ले लूंगा. बाद में पता लगा जो बॉन्ड उसमें लिखा था नियर द हार्ट आई विल टेक. ठीक है, 1 pound फ्लैश नियर द हार्ट. फिर आगे बहुत इंटरेस्टिंग हुआ चेंट ऑफ वेनिस, ये ओवर हुआ, फिर वो गया वो मर्मेंट गया, फिर वो पैसा नहीं चुका पाया. फिर एक मोरक्को और एलिगन का भी इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए. मोरक्को जो तो पैसे मोरक्को उसकी स्किन ब्लैक होती है, पोर्शिया कहता है मैं स्क्रीन पे मत जाना ये ना होना, उसने गोल्ड कास्केट चुनी थी और वो सॉर्स में पोर्शिया की तरह फिर नहीं थी. आफ्टर ग्लिटर इज नॉट अ गोल्ड, मीन्स अ थिंग्स विच लुक गुड फ्रॉम आउटसाइड मे नॉट बी गुड फ्रॉम इनसाइड. और फिर एक एरेगन आया था, प्रिंस ऑफ एरेगन ने सिल्वर कास्केट लिया था, उसने इसलिए सिल्वर लिया था क्योंकि उसने बोला आफ्टर ग्लिटर इज नॉट गोल्ड एंड दैट पोर्शिया इज नॉट गुड. और जो इंस्क्रिप्शन लिखे थे, इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन द कास्केट पर, ऑन द गोल्ड इट्स रिटन हूएवर विल चूज मी विल गेट व्हाटएवर ही डिजायर्स. और सेकंड सिल्वर में Whoever will choose me will get whatever he deserves. थर्ड वो था जो कास्केट था हमारा, कौन सा ब्रॉन्ज का था, उसमें लिखा था
whoever chooses it will have to take his life on risk. And फिर वो गया, कौन गया? बसैनियो. और पता है बसैनियो और पोर्शियालो पहले से इन दोनों को जानते थे, क्योंकि वो बसैनियो पहले आता जाता रहता था उसके घर में, इसलिए वो लोग जानते थे पहले से. तो वंदम सौर पर लगाव था उनको, मोर देन फ्रेंड्स था कह सकते हो. ठीक है, वो लोग पहचानते इसलिए वो जानते थे. पोर्शिया उसको कह रही थी टेक टाइम यू स्टे अ डे और टू बिफोर टेकिंग द चॉइस, बिकॉज इफ यू यूज अ रॉन्ग कास्केट वी विल नॉट मीट अगेन. तो उन्होंने बोला नहीं, आई एम वेरीफाइड दैट आई विल चूज कास्केट नाउ. ठीक है, फिर बोल रहे मैं इतना बोल रही हूँ ऑफ करना सब बोला उनका, उस हमारा सीन आपको एक्सप्लेन करके. तो फिर उसने कहा नहीं, मुझे सिल्वर कास्केट जो चूज की उसने गोल्ड, उसने चुनाव किया था लेड कास्केट का. लास्ट मैंने ब्रॉन्ज कह दिया, डेट्स वॉज रॉन्ग, उसने लेड कास्केट का चुनाव कर लिया. उसमें पोर्शिया की तस्वीर निकली. फिर वो सोचने लगा जिसने भी ये तस्वीर बनाई है उसने कैसे बना ली कितनी खूबसूरत पोर्शिया. फिर सब बोल बोलने लगा, तारीफ करने लगा उसकी. ठीक है, फिर उसने एक रिंग पहनाई, फिर रिंगों पर से थोड़ा बहुत आया. ठीक है, रिंग रिंग पहना तो उसने बोला कि रिंग कभी ना खोना, मतलब पार्ट पे नेवर गिव इट टू एनी वन, नेवर लॉस, ये सब बोला उन्होंने. ठीक है, फिर उसके बाद एक चिट्ठी आती है, फिर वो आते वगैरह आ जाते शाइलॉक की बेटियाँ जेसिका लॉरेंजो, वो लोग भाग के आ जाते हैं और जेसिका बहुत जेल से आती है. सब लोग थोड़ा बोला एक्सप्लेन करेंगे पर एक्ट वाइज. ओके बेटा, अभी मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा था, काफ़ी फर्क हो गया वैसे. फिर वो एंड दोनों जाते हैं, कौन कौन, बसैन और फिर हाँ एक और कपल जो बनते हैं वो थे बसैनियो और पोर्शिया. इस बार जो दो कपल बनते हैं वो कभी कभी आते हैं गुड में, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, दो एक्सेप्ट बसैनियो एंड पोर्शिया विच आर टू कपल, दे वर नेरेसा एंड ग्रेशियानो विद द टू कपल एक्सेप्ट दैट, उसके में बना था. ठीक है, और वो क्या होता है बसैनियो और ग्रेशियानो फिर चले जाते हैं वेनिस बचाने के लिए अपने दोस्त को, और पोर्शिया उसको 20 गुना पैसा देती है जो बचा के उसको. फिर अपने एक सर्वेंट को, वो अपना सर्वेंट का नाम था बल्थजार, वो पादुआ बेचती अपने भाई के पास, भाई उसका लॉयर था. तो वो खुद एक लॉयर के फेस में ड्रेस्ड हो गए और जज के सामने आके केस लड़ती है. तो अब सोचोगे वो एक जेंट्स का वो धार करती है, वो डिस्गाइज फॉर्म में, मतलब जिस रूप में हम नहीं उस फॉर्म में क्यों ऐसा करती है आप लोग सोचोगे, क्योंकि उस समय फीमेल लॉयर अलाउ नहीं था वेनिस में. ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर वो सब लोग कह रहे थे शाइलॉक को कि इवन जज वॉज सेम कि उसको मर्सी दिखाओ, मर्सी इज़ अ गुड थिंग, वो वेल विल गेट मर्सी, इज ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड हु गिव मर्सी इज ब्लेस्ड बाय द गॉड. सब बता रहे सब लोग, बसैनियो को रिक्वेस्ट कर रहा था. फिर पोर्शिया उसने बोला, उसने भले बोला, फिर उसने बोला अब तुम्हें चाहिए उसका पाउंड ऑफ फ्लैश, तो पाउंड ऑफ फ्लैश ही अब तुम्हें मिलेगा. वो खूब तारीफ करने लगा फिर मुझे जस्टिस दिलाएंगे, मुझे जस्टिस दिलाएंगे. ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर उसने बोला तराजू लाए हो तुम, नहीं तराजू क्या, ऐसा बॉन्ड में खा लिखा था 1 पाउंड लिखा. फिर उसने बोला, उसने कहा खून नहीं गिरना चाहिए. और फिर क्या किया उस पोर्शिया डिस्गाइज फॉर्म में किसे, और वहाँ पे उसने अपना नाम बल्थजार बताया. तो स्टोरी में 2 बल्थजार है. ठीक है, जज को बोला कि अगर कोई बाहर का आदमी है क्रिश्चियन आके वेनिस में किसी का खून निकाले, वो अपराध है, उस केस में क्या होगा, आपकी आधी संपत्ति तो उसको चली जाएगी जिसका आपने ये काम करा है, और आधी संपत्ति सरकार को दे दी जाएगी. ठीक है, हो गया. फिर वो समझ गया कि अब हो गया. उसने बोला मुझे अपना प्रिंसिपल दे दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट जितना था उसका. ठीक है, पर उसने बोला वो भी आपको नहीं मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा ये वो. फिर उसने एक फिर एंटोनियो ने क्या बोला, एंटोनियो फिर जज ने बोला हम आपको फाइन लेके बाकी बात करती हूँ, बाकी एंटोनियो क्या कह दिया, एंटोनियो बोला कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे दमाद और बेटियाँ बच जाएगी. ठीक है, फिर ये बॉन्ड साउंड हुआ, उसने साइन किया इस पर रहने लगा. और एक और बॉन्ड था उस एंटोनियो का कि तुम्हें अब क्रिश्चियन धर्म में आना पड़ेगा, जीश छोड़ देना. फिर उसने उस पर भी साइन कर दिया और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस अंधे हमारी. फिर एक्ट 5 है, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो मैं डिस्कस करूँगा उसमें. उसमें फिर स्टोरी बताते रहते हैं कि ये वहाँ मैंने आया शेर वाली बातें कुछ है, सब डिस्कस हो जाएगी. ठीक है, कुछ बाकी लव स्टोरी है वो तो एक्ट 5 में थोड़ा वो भी बता दूंगा आप लोग को. हाँ, फिर बहन रह गई, एक चीज़ रह गई, फिर जो बाहर रहते हैं वो थैंक यू कहते हैं. फिर एक रिंग होता है, फिर वो रिंग मांगते हैं क्योंकि फिर वो अनाउंसमेंट, फिर वो रिंग कहते हैं नहीं दूंगा, मेरी वाइफ ने रिंग दी है. फिर क्या होता है, वो कहता है नहीं मुझे चाहिए दो, मुझे रिंग दो ना मुझे ना दो. कहते हैं मैं मेरे में इसमें अनाउंसमेंट दूंगा, सबसे बढ़िया रिंग आपको दूंगा ला के, तो ये रिंग चाहिए. फिर
एंटोनियो कहते हैं, उसने वो रिंग दे दी थी उसको, ठीक है, और रिंग दे दी। फिर वो सोचा घर में बता दिया, उसने लॉयर ने ले ली, वो चेक करने के लिए, फिर उसने वापस करा दिया था, बवाल हो रहा था घर में, कैसे तुमने दे दी ये वो, ऐसे हो रहा था, पूरा डिटेलिंग उसमें यही सब है। ओके, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड टिल द नेक्स्ट, आई विल अपलोड वीडियो फ्रॉम सीक्वेंस ऐप, एंड लाइक दिस वीडियो एंड टू शेयर वीडियो, एंड थैंक यू, थैंक्स।